नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। पीईटी 2021 की एक वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट, जिसका कट ऑफ अभी तक रुका हुआ था कि सिलेबस इसका नहीं डिसाइड था, तो सिलेबस आपका आ चुका है। क्या है सिलेबस? बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर हम बात करें 2019 में, जब एक बार आपका सिलेबस बदला था, एक बार फिर से सिलेबस को बदला गया है, यहां पर पैटर्न बदला गया है, और जो आपका एकेडमिक मार्क जुड़ता था वो अब जूनियर असिस्टेंट में मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। तो क्या है पैटर्न, एक बार देख लेते हैं। नोटिस आपकी आ चुकी है। तो जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, पीटी का फॉर्म भर चुके थे 21 पीटी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, वो एकदम लग जाइए। जिनको उम्मीद है कि मेरा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, अपनी तैयारी को अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेबस तो वही है, कुछ चीजें नया इंक्लूड किया गया है। जैसे जीएस रीजनिंग हिंदी तो आप ये पढ़ ही रहे थे, तो ये पार्ट तो आपका है, लेकिन कुछ नया किया गया है। तो अब जो समय है आपके पास, उस समय में नए चीजों पर आप ध्यान दीजिए, और उसे कैसे पढ़ना है, जो हमसे मदद हो सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मदद किया जाए। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, वो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हम इच्छुक हैं, हमारे लिए कुछ जो भी होगा वो आप लोगों के लिए चलाया जाएगा। अगर जो भी पार्ट इसमें आप लोगों के जैसे कमेंट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है इसका बैच गठित किया जाए, ठीक है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए यहां पर क्या बोला है, 1262 पदों के चयन हेतु भारत के नागरिक दिनांक 21/11/2022 से 14/12/2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। अब एक कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक वाला है। अब इसमें परीक्षा की योजना जो है निर्धारित कर दी गई है, और यहां पर देख लीजिएगा, लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा, ठीक है, तथा समय अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक, और एमसीक्यू टाइप का प्रश्न होगा, 1/4 आपका क्या है, निगेटिव है, ठीक है। पहले यह परीक्षा जो होती थी वो आपका ये जो हिंदी है ये 60 क्वेश्चन आपका आता था। बाकी अगर हम बात करें तो सामान्य बुद्धि के आपका 30 क्वेश्चन होता था, और सामान्य जानकारी के 40 क्वेश्चन होता था। 40, 30, 70, 70 और 60, 130 क्वेश्चन आपका होता था, 65 मार्क्स का होता था, ठीक है। अब इसको चेंज कर दिया गया, इससे मतलब हमारा नहीं है। अब क्या कर दिया गया, इसको ध्यान रखिए, टोटल आपका 30 क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का है हिंदी का। उसके बाद से आपका जो रीजनिंग है इसको कम कर दिया गया है, 15 क्वेश्चन कर दिया गया है 15 मार्क्स का। जो आपका जीएस का है सामान्य जानकारी, इसको 20 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका नया क्या इंक्लूड किया गया है, वो है भाग 4, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी, मतलब कंप्यूटर जोड़ा गया है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश विशेष आपका जोड़ दिया गया है, यूपी स्पेशल, और 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स का ये जोड़ा गया है। तो टोटल ये आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है, और 120 मिनट की अवधि इसको दी गई है। सिलेबस में अगर देखो यहां पर बात करें, तो पाठ्यक्रम में यहां पर बोला है हिंदी परिज्ञान लेखन में जो आपका आता था, उम्मीदवारों को हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समक्ष लेखन की योग्यता प्रशिक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। सामान्य बुद्धि वाले में इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तथ्यों विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता मापन, मतलब जैसा आपका पहले होता था रीजनिंग और जो क्वेश्चन पूछा जाता था हिंदी में वही रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम हो गए हैं, पॉइंट आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो जो आपको तैयारी किए हो हिंदी रीजनिंग और जीएस वाली, वो तो आपकी वही रहेगी, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या हैं वो आपके अलग अलग हो गए हैं। सामान्य जानकारी जिसके 20 प्रश्न आएंगे, तो इसमें बोला है कि उम्मीदवार को चारों वातावरण के बारे में, उनके सामान्य जानकारी, समाज, इसके इस्तेमाल के बारे में योग्यता आंकने के लिए इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनमें ऐसी समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिन्हें ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। तो वही इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इसके जनरल आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस इससे रहेंगे। चौथा भाग जो नया आपका है उसमें क्या आएगा, देखो
उसमें उम्मीदवारों को कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, ईमेल क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य में कौशल, साइबर सुरक्षा, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड हो गया, तथा कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार, मतलब जो आपके नया नया करंट, एक तरह से बोला जाए जो भी करंट चीजें हो रही हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इन सब पे आपका कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो 15 प्रश्न होंगे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश विशेष आपका, यूपी स्पेशल आपका पांचवा भाग है, इसमें आपको उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान जैसे इतिहास, संस्कृति, कला, वस्तुकला, त्योहार, लोकनृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक प्रदेश, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान, खनिज, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राजव्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम विज्ञापन 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञप्ति कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर चयन हेतु प्रभावी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चेंजेस हो गए हैं यूपी स्पेशल आपको लिए। यहां पर अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल की एक क्लास आलोक सर के द्वारा पूरे की पूरे एक तरफ मैराथन क्लास है और वो आपको कंबाइन करके यूट्यूब परीक्षा प्लस के यूट्यूब पे लगाया गया है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो, एक बार देख लेते हो ना, तो आपका जितना भी ये पॉइंट लिखा है यूपी में वो सब कवर हो जाएगा। तो वो आपकी क्लास यूट्यूब पे पड़ी है, उसे अच्छे से देखिए। आपका यहां से जूनियर असिस्टेंट का जो पांचवा भाग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कवर हो जाएगा। ऐसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो मेरे द्वारा कंप्यूटर की मैराथन क्लासेस पड़ी हुई है, कई क्लासेस पड़ी हुई है जो फ्री में है आपके। ऑलमोस्ट जो जहां जहां कंप्यूटर पूछा जाता था वहां सिलेबस ऑलमोस्ट आपका यही रहता था। ठीक है, तो उसका अगर आप मैराथन क्लासेस देख लेते हैं, 9 घंटे की है, 14 घंटे की है, कोई भी आप क्लास देख लेते हो तो ये आप 15 क्वेश्चन में आप आराम से 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके दोनों वीडियो मैराथन्स वाले आपके यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां से देख कर अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। बाकी जिसको डेडिकेटेड कोर्स चाहिए वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी संख्या बल को देखते हुए तो इस कोर्स को लॉन्च करेगी। तो चलिए, इसके बारे में अगर कोई हमें और जानकारी मिलती है तो हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।